Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Assistance. Dear students, last part of this video mein maine discuss kiya unit number 1 se unit 5 tak ke most important topics or most important exercise questions as per your smart syllabus. Ab hum discuss karne ja rahe hain chapter 6 onwards. Agar kisi ne previous video miss kar diya to main description mein bhi uska link provide kar dungi, end card mein bhi provide kar dungi. Lazmi aap uske through ho jayega wo isliye kyunki bahut important guesses hain that are based on my experience and a lot of research on previous past papers and board sequencing. ठीक है, so start लेते हैं chapter number 6 से kingdom से कि कौन-कौन से important chapters हैं और important topics हैं, कौन से included हैं आपके syllabus में. मैं आपको साथ-साथ पहले mark करवाऊंगी आपके जो included topics हैं syllabus में और उसी में से बताती जाऊंगी कि कौन से आपके most important हैं. structure of bacteria आ जाता है आपका जो topic included है उसमें, size, shape और bacterial cell. ठीक है, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में. उसके बाद फिर आपका न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया आ जाएगा. ठीक है, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के बाद आपका फर्दर जो है रेस्पिरेशन आ जाएगा. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके, ये न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, बाकी वो स्किप्ड है. ठीक है, जो मार्क नहीं करवाए ना वो इंक्लूडेड नहीं है. उसके बाद रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, फिर आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और उसके बाद कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया आ जाता है. ठीक है, उसके बाद जो आपका ये वाला टॉपिक, ठीक है, फुल टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस में, आपको पता है, तो इस वजह से आपने जस्ट उन्हीं को करना है जो आपके इंक्लूडेड है. और इसमें से कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में से भी आपका ये जो फिजिकल मैथड है और ये केमिकल मैथड है, ये दो मैथड इंक्लूडेड है और ये आपके इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है, उसके बाद आपका यूज एंड मिस यूज आ जाता है. ये बाकी टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है. यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि जो प्रेजेंट कंडीशन से जो रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो पेपर्स में आए. तो अभी आपको पता है कि COVID-19 वायरस, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रेजेंट कंडीशन के हवाले से है, तो इसके आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है. उसके बाद ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ. तो एक्सरसाइज में से आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स इंक्लूडेड हैं दैट आर 1, 2, 6 और फिर 7. ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारे ही इंक्लूडेड है. उसके बाद मल्टीपल चॉइस आपके हैं, वो भी आपके तकरीबन सारे इंक्लूडेड हैं. फिर क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं. सो शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपके 1 का पार्ट ए बी इंक्लूडेड है. ठीक है, उसके बाद पार्ट जो सेकेंड है वो इंक्लूडेड है. सेकेंड से लेकर 9 तक ये सारे इंक्लूडेड है. अब इनमें से अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें ना तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका इम्पोर्टेंट आ जाएगा. ठीक है, और उसके बाद आपका ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये वाला क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, मैच द फॉलोइंग विद डिस्क्रिप्शन. उसके बाद एक्सटेंसिव क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो 1, 3 और 5 इंक्लूडेड है. ठीक है, और इसमें से जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला. ठीक है, रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड इम्यूनाइजेशन इन कंट्रोलिंग बैक्टीरियल डिजीजेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से आपने स्टडी करना है. उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 द किंगडम की तरफ अगेन, और इसका जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है, इंट्रोडक्शन इंक्लूडेड है. ठीक है, उसके बाद ये इंक्लूडेड नहीं है. फिर ये आ जाते हैं मेजर ग्रुप्स आ जाते हैं. फिर इसमें मेजर ग्रुप्स में आपके जो जो इंक्लूडेड हैं वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवा देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, और उसके बाद फिर आपका ये भी टॉपिक इंक्लूडेड है. जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको साइड बाय साइड बताती जाऊंगी, और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगी. ये आपका इंक्लूडेड टॉपिक है. उसके बाद आपका इक्लिनॉइड्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है आपका. उसके बाद ब्राउन एलर्जी, वेयर इट इज, ये, देन रेड, इनको ना ये जो सारे टॉपिक्स है ना स्मार्ट सिलेबस के, आपने इनको एक बार गो थ्रू लाजमी कर लेना है. लेकिन जो मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. ठीक है, ये फंगस लाइक, ये भी आपका इंक्लूडेड है. और उसके बाद फिर वाटर मोल्ड्स आ जाते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है. इसका ये जो फिगर है ना, इसको भी आपने अच्छे से लाजमी देख लेना है, क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी बेस्ड करती है आपकी फिगर्स पे. ठीक है, डायग्राम्स पे, उसमें आपने बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी, थोड़ी सी प्रैक्टिस लाजमी है आपकी.
इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स इंक्लूडेड है दैट इज 1, 2 और फिर 5 से सारे आगे तक 5, 6, 7 और 8, ठीक है। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ अगर हम मूव करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 1, ये सारे ही आपके इंक्लूडेड हैं, 1 इसमें से 1, 4 और 5 इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें से मैंने आपको ये तो इंपॉर्टेंट मार्क करवा ही दिया था, दैट इज वाटर मोल्ड्स ही, ठीक है, इसका सेकेंड नेम वाटर मोल्ड्स है। उसके बाद एक्सटेंसिव क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो 1 to 8 सारे इंक्लूडेड है। अब 1 to 8 में से जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलजी, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरा आपका यही वाला जो मैंने आपको पहले मार्क करवाया, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 8 में आपका इंट्रोडक्शन इंक्लूडेड है, उसके बाद द बॉडी ऑफ फंगस, ये नहीं इंक्लूड, ये इंक्लूडेड है, सॉरी ये इंक्लूडेड और साथ में ये बॉडी ऑफ फंगस, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन एंड फंजाई, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेडली आया है पेपर्स में, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा आया है, इसलिए इसको अच्छे से करना है। साथ ही साथ इसका जो फिगर है ना उसको भी अच्छे से स्टडी कर लेना आपने। उसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाती है, ठीक है, फिर इसमें सारे इंक्लूडेड है आपके ऑलमोस्ट। फिर इंपॉर्टेंट्स आ जाएगा, यस मैं एक बार और चेक कर लूँ कि सारे इंक्लूडेड हैं, ये भी इंक्लूडेड है, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, यस ऑलमोस्ट आपके ये सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है इसमें। लेकिन जो मैंने आपको ऊपर टॉपिक बताया ना रिप्रोडक्शन, वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका इंक्लूडेड नहीं है। लैंड, इसके बाद ये इंपॉर्टेंस ऑफ अंजार जाता है। अच्छा, इसकी जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल इंक्लूडेड है लेकिन ज्यादातर वो वाली अक्सर आती है पेपर्स में, ठीक है। उसके बाद आपके ये इकोनॉमिक गेन्स, वेयर आर इकोनॉमिक गेन्स, ये ऊपर यहाँ से आपके ये, ठीक है, ये इसमें कमर्शियल में ही आ जाते हैं ना ये दोनों, गेन और लॉस, इनको आपने अच्छे से स्टडी करना है। लॉस अक्सर आ जाता है, गेन तो इतना ज्यादा नहीं आता लेकिन लॉस अक्सर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ मूव करें तो मल्टीपल चॉइस 1 to 8 सारे इंक्लूडेड है, और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी 1 to 9 इंक्लूडेड है। इसमें से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की तरफ मूव करें तो 1 to 8 सारे इंक्लूडेड हैं, और इसमें से आपकी ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका ये 7th, ठीक है, ये इंक्लूडेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 9 में जो जो टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, उसके बाद डिवीजन है, फिर एडेप्शन आ जाएगी, ये एडेप्शन टू लैंड हैबिटेट, ठीक है, इसके पॉइंट्स आपने अच्छे से गो थ्रू करना है। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक इंक्लूडेड है ना वो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ साथ में, ये डिवीजन, ठीक है, ये आपका इंक्लूडेड है। उसके बाद इसमें आपके ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है, सब टॉपिक्स के साथ साथ ये एवोल्यूशन ऑफ लीफ आ जाएगा,